धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यही है इन बाबा का ओरिजिनल नेम। आजकल दो दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकल। आज की दुनिया को आपने देखा दोस्तों, 2023 का आ चुका है, हमारी टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुके, हम जाकर के चांद और मार्स तक जा चुके हैं, हम जो है ना टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतना प्रोग्रेस कर चुके, पूरे इंडिया जाकर के एक डेवलपिंग नेशन बन चुका है, यहां की इकोनॉमी इतना बूस्ट हो रहा है, लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, बट यहां का अगर हमें देखा स्पिरिचुअल सेक्टर, जो अंधविश्वास वाला जो सेक्टर देखा जाए तो वह आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रहा है, जिस तरह से चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, उसी तरह से जो ना हमारे इंडिया में जाकर के अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से जैसे बाबा बागेश्वर जैसे लोग या फिर तरह तरह के बाबाओं के नाम आपने सुना ही होगा, एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बाबा नित्यानंद का नाम सुना होगा, ढेरों सारे ऐसे बाबाओं का नाम सुना होगा जो आपने देखा बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड किए, बहुत ही सारा लोग यूजर इनके साथ में जुड़ गए, मिलियंस ऑफ में इसमें फॉलोवर्स रहते हैं, बट कभी भी ये मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हमेशा सोचते भी नहीं है लॉजिकली कि भी जो चीजें भी ये बता रहे हैं, जो चीजों का भी ये दावा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में सही है या गलत, या फिर अगर उनके चीजों में भटकावे में जाकर के कहीं गहराइयों में तो नहीं जा रहे। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में दो खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। कहीं अंधी भटकते हुए तो नहीं जा रहे, कहीं अपना दिमाग तो खराब नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टीपल केसेस अगर देखें तो वह एक जगह पे एक लोग जो है ना एक बाबा को फॉलो करते थे और वहां पे उन्होंने अपने बच्चों का ही बलिदान दे दिया, अपने खुद के बच्चों को मार दिया बलिदान के नाम पर। कपल अक्यूज्ड ऑफ किलिंग देयर ओन टू डॉटर्स बिलीविंग दैट दे कैन बी रेजरेक्टेड हैज बीन अरेस्टेड। रिपोर्ट का मानने के बाद में, चेक करने के बाद में पता चला कि वे एक बहुत सारे बाबाओं को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी तरह से बाबाओं को डिबंक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर में कितनी सच्चाई है, किस तरह से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से काम करती है और क्यों पुलिस भी इनको नहीं पकड़ती है, पॉलिटिशियंस भी इनके साथ देते हैं, तब पर भी ये इनके बहुत सारे जो चीजें जो बताते हैं सब भी झूठ होता है, गलत होता है, फेक होता है, तब पर भी लोग जो है ना अंधविश्वास की तरह इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना क्राइम तक कमिट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना अंधविश्वास में कहीं और गुम हो जाते हैं, अपनी फैमिली तक छोड़ देते हैं। तो आइए इस वीडियो में इसी बात को हम गहराइयों से जानते हैं। यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद जीसस, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, नॉट एट ऑल। They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। बाबा बागेश्वर की अगर बात करें तो इन्होंने अपना बूस्ट किया 26 उम्र के टाइम में, गैस ये जो है ना इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और इनको लोग बाबा कहते हैं, इनके चरणों में जाकर के गिर जाते हैं, इनका पायर पकड़ के भाई पुण्य कमाते हैं, लोग इनके पास रोते रोते हुए आते हैं, बोलते हैं कि अपने तो गिरवी रख दिया, अपने गहने गिरवी रख दिए सिर्फ अपने घर से इनके पास मिलने के लिए, इनके बात करने के लिए और इनके चरणों में अपना सर रखने के लिए, क्योंकि ये बाबा लोगों को क्लिक कैसे होता है, ये बाबा लोगों को फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं गैस, क्योंकि ये देखो आपको सपना बेचते हैं, एक होप का बिजनेस करते हैं। हाँ दोस्तों सही है, जैसे कि चीजें पूरी चलती है जब देखते हैं लोग लाचार होते हैं, जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो भाई स्पेशली 90% केसेस ऐसे हैं कि लोगों को स्ट्रेस है, लोगों को अपनी जिंदगी से चिढ़ है, लोगों को अपनी जिंदगी से क्वेश्चन है, लोग जो है ना अपनी जिंदगी में खुश बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में 90% लोग जो है ना कंप्लेंट करते हैं कि भाई उनको हमेशा स्ट्रेस रहता है, 20-30% लोग जो है ना डिप्रेशन में जाते हैं, सालाना डिप्रेशन का केस दर बदर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, वेल्थ हेल्थ हो रहा है, कंपनियां ग्रो कर रही हैं, लोग जो है ना वेलनेस के ऊपर जा रहे हैं, उसी तरह से जो है ना डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे सभी जो डिप्रेशन में लोग जब जाते हैं तो भाई ये कभी अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने डॉक्टर्स के साथ में या फिर अपने जानने पहचानने वाले के लोगों के साथ में कभी जो है ना ये प्रॉब्लम को शेयर करते ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होता है। बट इसी टाइम में इनको जो है ना ये बाबाओं का वीडियोस नजर आता है और आज के बाबा लोग तो यूट्यूब पे भी प्रचार कर रहे हैं। इनके बाबा बागेश्वर का देखा जाए तो चैनल पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, लाखों के बिलियंस में व्यूज आते हैं इनके, मिलियंस ऑफ
व्यूज रोजाना इनको आते रहते हैं और ढेरों सारे लोग जो है डिप्रेस रहते हैं ये सब इनको देखते हैं और इनके चमत्कार को देखते हैं। अब इसके चमत्कार की बात करें दोस्तों, ये लोग कोई चमत्कार आपको दिखाते नहीं है, ये सभी जो है मेंटलिस्ट का काम करते हैं, जो आपको जो है एक मैथमेटिशियन की तरह काम करते हैं, जो कि बहुत ही साइंटिफिकली लॉजिक से दिखाया जाता है जो चीजें रहते हैं उनको जो है चमत्कार करके दिखाते हैं। अगर हाथ पे अगर जो है ज्योति जला लेते हैं तो इसके ऊपर कोई भी चमत्कार नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर प्योरली साइंस है। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड ढेरों सारे वीडियोस आप देख सकते हो, ढेरों सारे लोग ऐसे भी आए हैं यूट्यूब पे, कहीं ना तो भाई 20-20 साल अपनी उम्र लगा दिए हैं, लोगों के पास में दाते हैं, उनको साइंस के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो है साइंस की चीजें वगैरह रहता है, जिसको आपको दिखा करके जो है ये आपको बताते हैं कि भाई ये चमत्कार है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है तो ये बाबा जी ने वगैरह प्रॉमिस किया है कि भाई अगर किसी को आपको बीमारी है तो आप जाकर के गौमूत्र ले लो, या फिर आप जाकर के हैश ले लो, या फिर आप जाकर के नींबू को ऐसे तोड़ करके पूजा कर लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये सभी केसेस जो करें इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि लोगों को जो ना हम जैसे लोगों को जो ना हमेशा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि हमें लेजीनेस बजाता है, हमारे जो है ना क्विक सॉल्यूशन मिलता है, जो भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है अगर हमें क्विक सॉल्यूशन मिलता है तो भाई वो रास्ता बेस्ट रहता है, हमारे पूरे दिमाग को यही सोच मिलता है। तो इसी तरह से ज्यादातर लोग जो है ना इनको फॉलो करने लगते हैं क्योंकि इनको क्विक सॉल्यूशन चाहिए रहता है, इनको एक होप चाहिए रहता है। और इसी तरह से देखा जाए तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है गाइस, ये तरह का बीमारी भी रहता है जो एक्चुअल में देखा जाए साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई जब आप दिमाग से जब आप डिप्रेस्ड रहते हो, जब आप प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो तो आपको जो है अगर होप मिलता है, आपको लगता है कि भाई हाँ इस ग्लास में पानी है और इसको मैं पी लूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, भले इसके अंदर पानी हो ना हो, वो सोच वो समझ वो मेंटलिस्ट की जो वजह से जो है ना उस पानी को आप पी लेंगे और आपको जो है ना राहत मिल जाएगी। बाप को बाप कहना घातक है, ये घातक रहना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही है इन बाबा का ओरिजिनल नेम, जो रियल में नेम इनका है, और ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पे जो इनकी बचपन के टाइम में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे बचपन से ही इन्होंने जो धर्म के बारे में होता है, जो रामायण के बारे में नाटक वगैरह होता है स्कूल वगैरह में, इनमें बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाया। और इसी तरह को चलते चलते जब वो थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने जाकर के राम कथा और प्रवचन वगैरह छोटे छोटे देना स्टार्ट किया गया, और इसी के तरह इनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रवचन देने का। और इनको ये जो है ना अपना एडवर्टाइज करने लगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के, और टीवी में जाकर के इनका जाकर के शोज वगैरह जब लॉन्च लग जाती है कि ऐसा होगा वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकल। और यहाँ पर इन्होंने जब दावा किया है कि भाई इनके पास एक दिव्य शक्ति है, ये लोगों को सिर्फ देख करके उनका जो है ना मन की बातें जान सकते हैं, यहाँ तक ये लोगों को देख करके कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। इनके पास में जो है ना हर कोई बीमारी का इलाज है, बस इनके पास में इनको जाना है, ये अपना मंत्र फूंक करके आपको जो है ना सही कर सकते हैं। और इन तरह से जो है ना बातों को बोलने की वजह से लोगों को इनको पसंद आने लगा, लोगों को क्योंकि चाहिए क्विक सॉल्यूशन, और इसी की वजह से जो है ना इतने सारे लोग आज अंधभक्त की तरह इनको फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जब इतने सारे लोग ढाप बनाते हैं, इनसे इतने सारे इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर में, और इतने सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, और इतना जो झूठ वगैरह जो फैलाते हैं, जो साइंस का एक्चुअल में जो फॉर्मूलास रहता है उसको दिखा करके लोगों को चकाचौंध करके इनको जब फंसाते हैं, इनको बताते हैं कि भाई इनके पास दिव्य शक्ति है, बट किसी एक्चुअली में जो इनके पास कोई दिव्य शक्ति है ही नहीं, तो भाई पुलिस इनका कुछ क्यों नहीं करती है, पॉलिटिक्स इनके पास कुछ क्यों नहीं कर पाती है, इसका जवाब है इनके फॉलोइंग में। जब किसी के पास में जो है मिलियंस में ज्यादा फॉलोइंग्स रहते हैं भाई, उसमें जाकर के पॉलिटिक्स भी अपना फायदा उठाते हैं, हर दिन इनके हजारों में से फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह से गाइस आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे जो है हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि जो है हम जो है लोगों के सामने अच्छी बातें बताते हैं, जो रियल फैक्ट है उसको आपके सामने लेके आते हैं, और आपके सब्सक्राइब बटन से जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये चीज़ तो आपके लिए फ्री है, बट हमें जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हम हमेशा लेके आते रहते हैं।